टुडे वी विल स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम. ठीक है. नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड फ्रॉम फीचर्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. फीचर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ हेडिंग आने चाहिए एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यू हैव रेड इन 6th, 7th, 8th हर क्लास में पढ़ के आई हो एंड इन 9th देयर इज नो नीड. आपको आता होगा व्हाट यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट. दिस फीचर वॉज अडॉप्टेड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम. लिसन अगेन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय दिस पीपल हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा, रिच एंड पुअर एक्सेट्रा. राइट लाइक दिस. People who are at the by this people who are at the age of 18 or above have right to vote. There is no discrimination on the basis of caste, religion, language, etc. It was adopted by our constitution in 1950. It was adopted by our constitution in 1950. Universal adult franchise ko constitution ne kab adopt kiya tha? 1950. People who are at the age of 25. People who are at the age of 25 or above. People who are at the age of 25 or above can contest for. इसी में universal adult franchise. People who are at the age of 25 or above can contest for Lok Sabha elections. कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन लिख दो. वैसे राज्यसभा की 30 है बट नो नीड टू राइट ऑल. कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट. वो वोट डाल सकते हैं. पीपल हु आर एट द एज ऑफ 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन. वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्लियर है? सेकेंड लिखो इलेक्शन कमीशन एंड यू हैव डन इट. क्या हुआ ना इलेक्शन कमीशन के बारे में? इट डिपेंड्स अपॉन यूर चॉइस कि आप कौन सी लाइंस इसमें लिखना चाहते हो. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. देयर आर 3 मेंबर्स. वन इज कमिश्नर, अदर आर हेल्पर्स. टेन्योर इज 6 इयर्स. ठीक है. तो इट इलेक्शन कमीशन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस. हाँ, जैसे मर्जी, डिपेंड अपॉन योर विश. हाँ, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर विश हाउ टू राइट अबाउट इलेक्शन कमीशन. हेडिंग बना के आप छोड़ दो. यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आपकी मर्जी, आप कोई भी लाइंस इलेक्शन कमीशन की इसमें लिखो. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. वन इज कमिश्नर, अदर आर 2 आर हेल्पर्स. टेन्योर इज 6 इयर्स. This election commission in our country provides various functions during elections. वो आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते, depend upon your wish. आपने election commission को explain करना, ठीक है? Third भी आपको आता होगा, secret ballot. Secret ballot. हाँ, इन पहले तो बताओगे, in India voting is done by secret ballot. In India, voting is done by secret ballot. No one except voter knows in whose favor he or she has casted his vote. Is it clear? In India, heading is secret ballot. आपको पहले ही किया हुआ है आपने ये भी. In India, voting is done by secret ballot. No one except voter knows in whose favor he or she has casted his vote. वोटर के बिना किसी को नहीं पता उसने किसको वोट डाली. क्लियर है ये? सीक्रेट बैलेट. इज इट क्लियर? सीक्रेट बैलेट. मैम, नो वन एक्सेप्ट वोटर. मैं दोबारा बोलती हूँ, एक मिनट. लिसन अगेन.
In India, voting is done by a secret ballot. No one except voter knows in whose favor he or she has casted his vote. इंडिया में वोटिंग सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है. वोटर के बिना किसी को भी नहीं पता कि उसने किसको वोट डाली. इज इट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी ये भी आपको आता होगा. पता है ना कि फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड. बस कितना सा तो लिखना. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स known as constituencies and from each constituency one representative is elected. So this is single member constituency. Is it clear? And from each constituency one representative is elected. अगला भी आपको आता होगा reservation of seats. Very good. Heading बनाओगे reservation of seats. अब इसमें लिखोगे इन अवर कंट्री सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. इन अवर कंट्री सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी एंड हियर यू कैन राइट अबाउट हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी. हाउ मेनी आर फॉर एससी एंड हाउ मेनी आर फॉर एसटी. Very good. Write down 84 for SC and 47 for ST. आप mention कर सकते हो यहाँ पे 84. Listen again. In our country, some seats are reserved for SC and ST. फिर आप mention कर दो seats. You know it very well. How many? 84 for SC and 47 for ST. अब साथ में एक रीजन बता दो. दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट सो दैट नो इनजस्टिस इज डन विद दिस पीपल. क्यों किया गवर्नमेंट ने? दिस इज डन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ दिस पीपल. ऐसे लिख दो दिस इज डन बाय अवर गवर्नमेंट टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ दिस पीपल. हाँ जैसे मर्जी अब आपकी अपनी मर्जी आप क्या लिखना चाहते हो. हाँ बिकॉज दीज पीपल ऑल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स. इन लोगों की भी आवाज सुनी जाए पॉलिटिक्स में. This is done by our government to promote the dignity of these people. आपकी अपनी मर्जी. अब आप आगे कैसे लिख दो. It's enough. इतने भी लिख दोगे it's enough. Next, joint electorate. अब पता क्या होता है पेपर में तीन नंबर का क्वेश्चन दे देते होते हैं joint electorate. ठीक है या फिर पेपर में पूछ लेते होते हैं write about रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. फिर आप उसको बड़ा करने के लिए जैसे अभी आप फ्रेम कर रहे थे पॉइंट्स क्यों गवर्नमेंट करती है रिजर्व ये सीट्स आप इस पे भी लिख सकते हो. या फिर आपको पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो आपको आता ही है 18 के हो तो आप इलेक्शन वोट डाल सकते हो. 25 से अबव हो तो यू कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन. ये चीजें उस पर लिखनी है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने कब अडॉप्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1950 में. ठीक है तो इट डिपेंड्स अपॉन योर विश. नेक्स्ट ज्वाइंट इलेक्टोरेट. इसको पहले सुन लो लिसन केयरफुली. ब्रिटिश ने क्या किया था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया था. सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट ये बहुत बड़ी एक स्टोरी भी है. इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ब्रिटिश वॉन्टेड टू डिवाइड इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ऐसे चाहते थे ना वो. एंड आज जो इंडिया एंड पाकिस्तान की डिविजन हुई है ना मेन रीजन बिहाइंड दैट इज यही सेपरेट इलेक्टोरेट. ब्रिटिश ने तो महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर में भी झगड़े करवाए थे. बी आर अम्बेडकर ने तो इन लोगों के लिए एससी एंड एसटी के लिए भी तब इनको एससी एसटी नहीं कहते थे इनको दलित कहते थे अनटचेबल्स कहते थे. गांधी जी ने नो डाउट इनको हरिजन का नेम दिया कि भगवान के बंदे हैं ये. ठीक है
तो बी आर अंबेडकर के व्यू थे बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज दलित. तो बी आर अंबेडकर वाज ऑन द व्यू कंडीशन ऑफ दीज पीपल वुड नॉट बी इम्प्रूव टिल दे वुड नॉट कम इन पावर. तो गांधी जी कहते थे स्वराज वुड नॉट कम टिल अनटचेबिलिटी वुड नॉट बी इलिमिनेटेड. वो कहते थे स्वराज नहीं मिलेगा. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. स्व इंडिपेंडेंस नहीं होता. स्व स्व मीन्स अपना, हिंदी का वर्ड है. राज मीन्स रूल. स्वराज ये वर्ड हमेशा याद रखो. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. वो कहते थे सेल्फ रूल नहीं आएगा जब तक इन लोगों की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी. तो बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी से सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा. ब्रिटिश ने तो वैसे ही कम्युनल इलेक्टोरेट रखा हुआ था हिंदू एंड मुस्लिम्स. 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल की डिवीजन की थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. बंगाल की डिवीजन करके कह दिया कि हमने इसकी डिवीजन इसलिए किया बिकॉज बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है. इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल ओवर दिस प्रोविंस. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इजी नहीं है तो इसलिए हम इसका बंटवारा कर रहे हैं. जबकि वो डिवीजन की थी रिलीजन बेसिस पे. तो इंडियंस को बेवकूफ बना रहे थे. मुस्लिम्स नो डाउट ब्रिटिश की फेवर में चले गए क्योंकि उन्हें उन्होंने उन एरियाज में मेजोरिटी दे दी. मुस्लिम्स को पावर्स दे दी. तो हिंदूज जो थे ना उन्होंने प्रोटेस्ट किए. ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए. उन दिनों महात्मा गांधी वॉज नॉट इन इंडिया. गांधी जी तो इंडिया में आया 1915 में. तो ये मैं बात कर रही हूँ 1905 की. गांधी जी इंडिया में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे. तो यहाँ पे झगड़े हुए इस पार्टीशन को लेके. इसको कहा जाता है डेविलिश पॉलिसी ऑफ कर्जन. क्योंकि ये किसने किया? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने. तो इसने डिवीजन कर दी. तो इंडिया में, होल इंडिया में प्रोटेस्ट हुए. ठीक है, पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स. स्वदेशी मूवमेंट भी उन दिनों लॉन्च हुई. बच्चों को पूछो हु लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट, तो बच्चे कहते थे महात्मा गांधी. नो, गांधी जी वॉज नॉट इन इंडिया. स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई तो जगह जगह कंट्री में प्रोटेस्ट हुए. ब्रिटिश गुड्स को ढेरों के ढेर ब्रिटिश गुड्स वर बर्नड. ब्रिटिश गुड्स वर बर्नड इन हीप, जला दी गई. तो पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए. अब 1911 में ब्रिटिश को सरेंडर करना पड़ा क्योंकि इंडिया में प्रोटेस्ट हो ही जा रहे थे. तो ब्रिटिश ने क्या कहा कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में कैंसिल किया. उन्हें कैंसिल करना पड़ा ये पार्टीशन. तो जाके पूरा पीस मेंटेन हुई थी तब. तो ब्रिटिश तो शुरू से इंडिया में डिवीजन करते आ रहे हैं. पहले कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आए, रिलीजन के नाम पे बांटा. फिर बी आर अम्बेडकर की साइड ली लॉर्ड इरविन ने. देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड इरविन. इरविन ने कहा कि होना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट. तो महात्मा गांधी ने फास्ट एंड टू डेथ डिक्लेयर किया. उन्होंने अनजल त्याग दिया. वो कहते कुछ, गांधी जी ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा. तो क्लैशेज हुए किस किस में? बी आर अम्बेडकर एंड, और जो इरविन था ना ही वॉज ऑन द साइड ऑफ बी आर अम्बेडकर. अब झगड़े हुए. झगड़ा हुआ भी कहाँ पे? लंदन में. गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे तो वहां पे झगड़ा हुआ था. ठीक है, बी आर अम्बेडकर भी थे वहां पे. अब दोनों वापस आए इंडिया. झगड़ा हो रहा था दोनों में. 32 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे कहते हैं पूना पैक्ट. सितंबर 1932 में दोनों में एक समझौता हुआ. पूना में वो पैक्ट साइन हुआ, समझौता साइन हुआ. तो उसका नाम पड़ गया पूना पैक्ट. अब उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? सीट्स जो थी ना रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. बाद में इनको नाम एससी एसटी दिया. पहले इनके लिए सीट्स रिजर्व की. और साथ में गांधी जी ने कहा दीज पीपल हैड टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट नॉट इन सेपरेट इलेक्टोरेट. के सेपरेट नहीं होएगा तो अगर सेपरेट होता तो कंट्री फिर डिवीजन होनी थी. तो गांधी जी ने एक हिसाब से कंट्री की डिवीजन को रोका. नहीं तो कुछ ना कुछ तो सेपरेट होना ही था. अगर कम्युनल इलेक्टोरेट रिलीजन के नाम पे ब्रिटिश लेके आए तो टू पार्ट्स में इंडिया की डिवीजन हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये सारा ब्रिटिश की, हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलोड बाय ब्रिटिश. कहीं ना कहीं वो इंडिया को डिवाइड ही करके गए हैं. नो डाउट ब्रिटिश खुद छोड़ के गए हैं एंड में इंडिया क्योंकि लेबर पार्टी केम इन इंग्लैंड. लेबर पार्टी ने इनको इंडिया में सपोर्ट देनी बंद की. और लेबर पार्टी वाज इन द फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया. लेबर पार्टी चाहती थी कि इंडिया को फ्रीडम मिल जानी चाहिए. अब तो लेबर पार्टी ने इनको सपोर्ट पीछे से बेचनी बंद की. दैट्स व्हाई ब्रिटिश हैड टू गो. ब्रिटिश वापस गए अपनी कंट्री. ठीक है, तो जब ब्रिटिश गए तो जाते जाते एक चलाकी कर गई.
डिवीजन कर दिया इंडिया एंड, क्योंकि जीना को इतना भड़का दिया था ना मोहम्मद अली जीना को, कि जीना ने कहा कि वो सेपरेट स्टेट ही लेके छोड़ेंगे, वो एक ही स्टेट में हिंदू स्टेट में नहीं रहेंगे। उन्होंने जीना ने ये बात ठान ली थी कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, तो इस वजह से इंडिया की डिवीजन हुई थी। चलो अभी आप करो ज्वाइंट इलेक्टोरेट। स्वदेशी लोगों ने मेन लोगों का रूल है, नॉट महात्मा गांधी। चलो सेपरेट इलेक्टोरेट, सॉरी मैंने बोला ज्वाइंट इलेक्टोरेट, पहले सेपरेट था। चलो बिफोर बिफोर इंडिपेंडेंस, बच्चे ज्वाइंट, क्योंकि अब ज्वाइंट है, सेपरेट तो है ही नहीं। मैं तो ज्वाइंट लिखवाऊंगी ना जो हमारी कंट्री फॉलो कर रही है, वी आर डूइंग फीचर्स, बट मैंने बताया आपको सेपरेट के बारे में भी है, तो हम सेपरेट भी इसमें बताएंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सेपरेट सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट रिलीजन के बिहाफ पे। बिफोर सॉरी इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल मीन्स रिलीजन बेसिस, सेपरेट कम्युनल, ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। दिस प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, दिस प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड वॉज द मेन रीजन ऑफ द पार्टीशन एंड वॉज द मेन रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड वॉज द मेन रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड वॉज द मेन रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड वॉज द मेन रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। आफ्टर इंडिपेंडेंस After independence, our new constitution has introduced, joint electorate. It means after independence our new constitution has introduced joint electorate. It means that in a constituency all the voters may be of different religion or caste. It means that in a constituency, all the voters may be of different religion or caste. Elect only one representative. There is no Hindu, Muslim, Sikh constituencies. कभी सुना है? ये हिंदू constituency है, ये मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे कभी सुना है? नो, क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। ब्रिटिश ने तो बना दी थी हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, तभी तो डिवीजन हुई है इंडिया की। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा इलेक्टोरेट लेके आया? ज्वाइंट। इट मीन्स वोटर्स, जो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आप वोटर्स हो, ठीक है, आप यहाँ पे वोट डालने आए हो, क्या आप बदर करोगे कि यहाँ पे हो सकता है जो कैंडिडेट इस एरिया का है, जो एक कैंडिडेट पार्टीज ने सिलेक्ट किया, हो सकता है वो हिंदू हो, तो आप लोग सिख हो और मुस्लिम हो, तो आप क्या इसको वोट नहीं करोगे? आप बदर करोगे कि कैंडिडेट की कैंडिडेट तो हिंदू है, हमने यहाँ पे वोट ही नहीं करना? ऐसे तो नहीं है ना। हो सकता है कैंडिडेट सिख हो और आप हिंदू और मुस्लिम हो, तो आप क्या वोट नहीं करोगे अपनी? ऐसे नहीं है, आप ये बदर ही नहीं किया जाता, कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट सेपरेट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, तो इसमें आपने बताना है बिफोर, अब आपको लर्न हो जाना चाहिए बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, पता है ना, एक स्टोरी सी फ्रेम कर दो यहाँ पे कि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश क्या लेके आए,
सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट कम्युनल, कास्ट तो वो बिलीव ही नहीं करते थे, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट रिलीजन के नाम पे, तो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आए, ठीक है ना। फिर आपने बताना है कि यही मेन रीजन बना है पार्टीशन ऑफ द कंट्री का, क्योंकि लोग रिलीजन के नाम पे बट गए, हिंदू मुस्लिम बटे हैं तो पाकिस्तान इंडिया बना ना। फिर आपने बताना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस कौन सा इलेक्टोरेट किया, ज्वाइंट। अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट में वोटर्स को एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है विदाउट, वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते, दे डू नॉट बॉदर अबाउट द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ द कैंडिडेट, वो बॉदर ही नहीं करते। इट मीन्स ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, देयर इज नो हिंदू मुस्लिम सिख कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हिंदू मुस्लिम सिख कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है। नाउ इज इट क्लियर फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, कैन यू राइट? एक मिनट मैं फिर बोल देती हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन कमीशन, सीक्रेट बैलेट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आप लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश, हेडिंग लिख के छोड़ दो, आप पेपर में कोई भी फीचर्स लिखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यू कैन राइट, दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन, अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टीज कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर्स, जैसे भी आपने लिखना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, और आप इलेक्शन, आप पटीशन भी लिख सकते हो, पटीशन भी लिख सकते हो कि अगर कोई कैंडिडेट किसी एरिया में कोई कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है उस एरिया के इलेक्शन से, वहां पे बूथ कैप्चरिंग हो गई, यहाँ कोई रिगिंग हो गई, तो पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन फाइल अप अ पिटीशन इन द कोर्ट, तो आप उसमें पिटीशन वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश आप कौन से फीचर्स इलेक्शन सिस्टम के लिखते हो, ठीक है, आपके पास कितने सारे फीचर्स हैं, आपको जो छोड़ना है आप छोड़ देना, बट एक मिनट, छोड़ना कोई भी नहीं है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट पे पेपर में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आ गया तो कैसे करोगे, पिटीशन तो आप कर लोगे बिकॉज यू हैव डन, आप वो भी कर लोगे, अभी मैंने एक और फीचर बोला था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि यू हैव डन, आपको आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कर लोगे ना, इलेक्शन कमीशन आ गया यू कैन डन बिकॉज यू आपने बड़े बड़े क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ आज आपको एक ही चीज लर्न करनी है ज्वाइंट इलेक्टोरेट, बाकी तो आपको सबको आता है ना सारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको आता है, सीक्रेट बैलेट सबको आता है, इलेक्शन कमीशन आता है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आता है ना, ये सारे आते हैं ना आपको, ओनली वन यू हैव टू लर्न दैट इज ज्वाइंट इलेक्टोरेट, बस। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो मर्जी लिखो, दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन बिफोर इलेक्शंस एंड फॉलोड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस पार्टीज और कैंडिडेट्स कांट डू द फॉलोइंग थिंग्स, अब वो बता दो, रिलीजियस प्लेसेस नहीं यूज कर सकते, ब्राइब नहीं दे सकते, वोटर को मनी एंड मसल पावर नहीं यूज कर सकते, रूलिंग पार्टी अपनी पावर्स मिस यूज नहीं कर सकती, ठीक है, ओनर की परमिशन के बिना किसी की भी दीवार पे कोई भी स्टिकर्स स्टैंप ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये सब आपकी मर्जी, आपने कैसे करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पटिशन भी आप लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट इज, अब आपका आ जाएगा राइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, राइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, इलेक्शन सिस्टम, सॉरी, वेरी गुड, राइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम, देखो आपको अपने आप आते हैं ये पॉइंट्स, अपने आप ही, पहले तो थोड़ा सा बताओगे ना कि इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, बट स्टिल अपनी कंट्री की हमेशा प्रेज करते हैं, इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन इज, मैं बोल देती हूँ, राइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम, राइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, पहले तो आप यही, पहले तो प्रेज करोगे, अब एक मिनट, कोई बहुत अच्छा, उसमें भी तो वीकनेसेस होती हैं, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको भी तो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, हम कहते हैं सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी, कहते हो ना आप, डेमोक्रेसी के बिना किसी और गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लोगे, आपको इतने लालच दिए जाए कि हम उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, डिक्टेटरशिप ले आते हैं, डेवलपमेंट होगी कंट्री में, बहुत सुधार हो जाएंगे, तो क्या उसे आप ऑप्ट करोगे, उसकी फेवर में जाओगे, नहीं,
बिकॉज डिक्टेटरशिप में कहीं ना कहीं नो सिविल लिबर्टीज, याद है हिटलर ने आते ही सबसे पहले क्या छीनी थी लोगों की, सिविल लिबर्टीज, मीडिया पे बैन लगाए थे। इट मींस डिक्टेटरशिप आएगी तो ये सब कुछ होएगा। तो डेमोक्रेसी में तो सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजन, सभी में से बेस्ट कहते हैं, बट स्टिल इट हैज टू फेस मैनी चैलेंजेस। करप्शन नहीं है, है ना, पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कितना कुछ है हमारी कंट्री में, इतने चैलेंजेस हैं, बेस्ट को भी चैलेंजेस आते हैं।